पिछले साल की तरह इस साल भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले क्लास 10 और 12 के जो छात्र हैं उनको सीबीएसई की जो एग्जामिनेशन फीस देने में जो है वो बहुत मुश्किल हो रहे हैं, ऑलमोस्ट असंभव हो रहा है। और ये डिमांड की जा रही है कि जो दिल्ली सरकार है, जैसे उन्होंने 2019 और 20 के अंदर, पिछले साल नहीं दी थी, 19 और 20 में दी थी, उसी तरीके से इस साल भी सभी बच्चों की जो है वो सीबीएसई एग्जामिनेशन फीस दे। इस बारे में ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन ने भी एक लेटर दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिखा है, जो काफी डिटेल जिसके अंदर है और मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। उसमें लिखा है कि विगत वर्ष 2019 मार्च महीने से ही अब तक पूरा देश कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पिछले 2 सालों में हुए लॉकडाउन और तमाम प्रतिबंधों के कारण हमारे छात्रों के अभिभावकों की जीविका और आय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। एक जिम्मेदार और सचेत संस्था के तौर पर ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन ने विगत वर्ष भी दिल्ली सरकार और सीबीएसई से बोर्ड परीक्षा शुल्क को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जमा कराए या बोर्ड द्वारा माफ करने के लिए कई तरह के प्रयास किए थे। दिल्ली सरकार की जटिल आर्थिक स्थिति के कारण विगत वर्ष दिल्ली के हमारे परेशान छात्रों और अभिभावकों को परीक्षा शुल्क में किसी भी तरह की सहायता नहीं मिल पाई थी। अभिभावकों की प्रतिनिधि संस्था होने के कारण हमारे पास हजारों ऐसे अनुभव हैं जिससे ये पता चलता है कि विगत वर्ष अभिभावकों ने सीबीएसई की फीस जमा कराने में तरह तरह की परेशानियों का सामना किया था। अपने बच्चों के भविष्य और शिक्षा को सामने रखते हुए इन अभिभावकों ने हर तरह की परेशानियों को दरकिनार करते हुए सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा शुल्क को जमा कराया था। साथ ही हमारी संस्था सहित कई दूसरी संस्थाएं और कई लोगों ने निजी रूप से परेशान छात्रों की मदद की थी। सीबीएसई ने भी तकनीकी और संस्थागत व्यवहारिक को देखते ध्यान में रखते हुए विगत वर्ष बोर्ड परीक्षा शुल्क को माफ करने से पूरी तरह इनकार कर दिया था। आज भी हमारा देश कोरोना महामारी की मार से बुरी तरह प्रभावित है। बहुत से अभिभावकों की नौकरियां छूट गई हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के अनुसार 1.5 लाख से अधिक छात्रों के अभिभावकों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाया है। इनमें से लगभग सभी अभिभावकों ने अपनी कमाई में कमी होने के कारण ऐसा किया है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने फीस बकाया होने की स्थिति में छात्रों को उनकी टीसी देने से मना किया है। स्कूल की बकाया फीस ना भर पाने की मजबूरी को दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने भी महसूस किया है। इसके बाद सरकारी स्कूलों में बिना टीसी के ही नाम लिखे जाने की सार्वजनिक घोषणा भी की है। निजी स्कूलों में पैसे की कमी के कारण नाम कटवा लेने वाला अभिभावक बोर्ड की फीस भी जमा करवाने पाने में भी परेशान होगा। दिल्ली सरकार ने अपने अभिभावकों की आर्थिक परेशानी को महसूस करने के बाद ही विगत वर्ष सरकारी स्कूलों में छात्रों से पीडब्ल्यूएफ के लिए मासिक तौर पर लिए जाने वाले नाम मात्र 20 रुपये भी नहीं लिए जाने का आदेश दे दिया था। दिल्ली सरकार ने 2019-22 में दिल्ली के 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के छात्रों की बोर्ड परीक्षा की फीस दिल्ली सरकार ने ही जमा करवाई थी। कुछ समय से दिल्ली सरकार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, जिसकी झलक हमें स्कूलों में कई नई स्कीमों के शुरू होने से जाने से पता चलती है। ऐसे जैसे दिल्ली सरकार में अपनी ईएमसी की योजना में बड़ी कक्षा के हर बच्चे को 2,000 रुपये भी देने वाली है। मैं इस संबंध में
आपसे मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चों की आर्थिक परेशानी को ध्यान में रखते हुए सत्र 2021-22 में कक्षा 9 एंड 11 के छात्रों को बोर्ड पंजीकरण दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पंजीकृत छात्रों के परीक्षा शुल्क का भुगतान दिल्ली सरकार द्वारा किया जाए। ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन बोर्ड इस काम को तार्किक, नैतिक और सभी छात्रों के हित में मानती है। ये लेटर हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेज दिया, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। और अभी क्या डेवलपमेंट हुआ है कि इस बीच में CBSE ने सर्कुलर भेज दिया है कि 30 सितंबर तक जो है वो क्लास 10 और 12 के जो बच्चे हैं उनका जो CBSE एग्जाम फीस है वो जमा होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि अब CBSE ने जो है नवंबर में जो है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम भी उन्होंने रख लिया है नवंबर में। तो अब ऐसी स्थिति में हमारे दिल्ली के लाखों बच्चे जो 10वीं और 12वीं के जिनको एग्जामिनेशन देना है और दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो और उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं कि कहाँ से अरेंज करें। मुझको 50 जो है मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कुछ करिए आप, हम पैसे कहाँ से देंगे, हमारे पास है नहीं है। कई बच्चों के आए हैं कि हमारे माँ बाप तो बेकार बैठे हुए हैं जब से ये पेंडेमिक हुआ है, पैसे कहाँ से देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को थोड़ा सा प्रेशर मतलब सभी पेरेंट्स को और बच्चों को दिल्ली सरकार पे प्रेशर बनाना पड़ेगा कि वो इस बात को समझें और सारे बच्चों की जो फीस है वो जमा करें। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि एक पोस्ट कार्ड कंपेन चलाया जाए। पोस्ट कार्ड कंपेन में यह है कि बच्चा हर एक बच्चा जो 10वीं का या 12वीं का जिसको फीस देने में दिक्कत हो रही है और दिल्ली सरकार के स्कूल में है तो वो दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखेगा और उनसे वो अनुरोध करेगा कि आप दिल्ली सरकार के ऊपर दबाव बनाइए कि वो हमारी CBSE की जो फीस है वो दे। एक सैंपल लेटर है ये, एक बच्चे ने बनाया है जिसमें आप देखेंगे कि उपराज्यपाल के एड्रेस है और इधर बच्चे का नाम, उसका स्कूल का एड्रेस और नाम और क्लास और उसका मोबाइल नंबर भी है। अगर आप देखेंगे इसकी दूसरी तरफ देखेंगे तो वो टेक्स्ट है जो वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिख रहा है और इसमें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो लिखा है। वो लिखा है ऊपर उसने हैशटैग लगाया है कि दिल्ली सरकार फीस दो, फिर लिखा है महोदय जी मैं दिल्ली सरकारी स्कूल का छात्र हूँ, गरीबों के कारण हमारे माता पिता CBSE क्लास 10 2021-22 एग्जामिनेशन फीस देने में असमर्थ हैं, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि दिल्ली सरकार पर दबाव बनाएं कि वो हमारी फीस जमा करें। ये कंपेन हमने आज से लॉन्च कर रहे हैं इसको और आज एक दो जगह जो है बच्चे इकट्ठे होंगे और वो इस तरीके के पोस्ट कार्ड लिखेंगे। लेकिन मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं कि आप लोग अपने अपने एरियाज के अंदर इकट्ठे होकर जो है इस तरीके की पोस्ट कार्ड जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को आप भेजो दिल्ली के और उसकी एक फ़ोटो कॉपी जो है वो मुझको भी भेजो। और दूसरा ये कि इसको जो भी आप ऑर्गेनाइज वे में ये पोस्ट कार्ड लिखते हो तो उसका जो वीडियो या फोटोग्राफ्स है वो सोशल मीडिया पे डालो। तो मैं समझता हूँ कि अगर लाखों बच्चे जो अफेक्टेड हैं और वो इस कंपेन में पार्टिसिपेट करते हैं तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार पे एक दबाव बनेगा और शर्तियाँ दिल्ली सरकार को जो है ये फीस देनी पड़ेगी तो ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा हमारे दिल्ली के लाखों पेरेंट्स के लिए कि उनके बच्चों की फीस जो है वो दिल्ली सरकार दे। तो मैं आप सब लोगों से एक बार फिर से अनुरोध करता हूँ कि इस कंपेन को जो है आप ज्यादा जो है पब्लिसिटी करें और ज्यादा से ज्यादा पोस्ट कार्ड विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज ये सारे पोस्ट कार्ड जो है
वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि स्कूलों से बच्चों को मैसेजेस आ रहे हैं कि 22 तारीख तक फीस जो है वो जमा करो, और 30 तारीख जो है वो लास्ट 30 सितंबर सीबीएसई की फीस जानी है। तो ये बड़ी इस टाइम बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, जिसमें हमें मतलब कुछ सीरियस एक्शन जो है लेना पड़ेगा। थैंक यू।